अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर इश्क मुर्शद वीडियो। गाइस काफ़ी टाइम बाद तुम्हारा भाई वीडियो बना रहा है इश्क मुर्शद पे, काफ़ी टाइम बाद बात कर रहे हैं। क्या बात करूँ मैं ड्रामे पे यार, बचा ही गया मालिक। मना कर रहा हूँ ना, बात नहीं कर रहा हूँ, वीडियो कर रहा हूँ ना, नहीं करो यार। एक तो ये ड्रामे का ना मज़ा ख़त्म हो गया। टुक 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 चलाओ, टुक 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 ये चलाओ तो कुछ हो जाओ। ड्रामे का मज़ा इस वजह से ख़त्म हो गया कि यार ड्रामा पता नहीं कहाँ घुमा दिया इन्होंने। अब वो मुझे लग रहा है जब तक शामिर का कैरेक्टर था ना, नहीं शामिर कह रहा हूँ, अपना वो था ना, उसका नाम भी भूल गया मैं, फजल बख्श वाला कैरेक्टर था ना ड्रामे में, तब तक ड्रामे में जान थी। ड्रामा था 109, मतलब यार वो एसेंस कहते हैं ना, खुशबू कहते हैं, ताजगी जिसका कहते हैं ड्रामे की, वो था वो, उनकी शिबरा और उसकी केमिस्ट्री जो दिखाई थी। अब तो मज़ा ही नहीं आ रहा, बोरियत हो गई। मैंने भी लास्ट किस पता नहीं कब देखी थी, वो शिबरा पे अटैक हो गया, उस शिबरा को तालिबान मारने आ गए, धर 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 बता पता नहीं ऐसा उसको मरवा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है क्या नहीं। वो पैनिक हुए हैं शामिर साहब। एपिसोड 29 आ गया, आज 30वां भी आ जाएगा, मतलब लास्ट सेकंड लास्ट एपिसोड आने वाला है। मज़ा नहीं आ रहा, वो मैंने देखा है शायद उसमें टीज़र में देखा है उनके अबू सिकंदर साहब जो हैं, सिकंदर अंकल जो हैं उनका भी लग रहा है मुझे वो हो गया, मतलब वो चल गए प्यारे हो गए ड्रामे के अंदर। भाई ड्रामे के अंदर ऐसे नहीं कह रहा, तुम कहीं समझोगे मैं कोई सीरियस उसमें कह रहा हूँ भाई। चाचा वैसे एक्टिंग अच्छी कर रहे हैं लेकिन यार ड्रामे का मज़ा ख़त्म हो गया। उनके घर पे रिश्वत का पैसा निकल गया, उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली शामिर ने, वो कुछ कर नहीं पा रहे, उनकी पार्टी की रेपुटेशन है उनकी ख़राब हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने बोला यार उस्ताद चल क्या रहा है ड्रामे के अंदर, ड्रामा यार बोरियत हो गई ड्रामे में। मैंने जब भी देखा, वो थाली में देखता ना वाले एपिसोड के अंदर जब उनकी दो दो शादियाँ होती हैं, मैंने भी जब तक देखा उसके बाद मज़ा ही नहीं आ रहा देखने में। पता नहीं यार स्क्रिप्ट राइटर जो है, जो जिन्होंने राइटिंग करी उन्होंने पता नहीं क्या सोच के करी राइटिंग। जो ड्रामे का जो ट्रेंड था ना वो इसी वजह से चल रहा था, ड्रामा कैसा हर कोई बात कर रहा था इश्क मुश्किल भाई। एंड में रखते ये शादी वाला जो सीन था ना एंड में रखते, इन्होंने पता नहीं शुरू में रख दिया वो ड्रामे की सारी, कहते हैं ना प्रोग्राम बढ़ गया ड्रामे का। अब मज़ा ही नहीं आ रहा देखने में, बोरियत हो रही है। मैं यूँ देख रहा होता हूँ, मैं भी लास्ट दो तीन एपिसोड देख ही नहीं रहा। मैंने बोला यार आज पता नहीं चल क्या रहा है, अब शादी जो मेन कोर्स था उन्होंने पहले ही खिला दिया, अब तुम बताओ अब ये सूप बाद में पिला रहे हैं। सही है, मीठा पहले खिला दिया अब बाद में सूप खाना पीना चल रहा है, तो यार गलत बात है ना यार, मीठा एंड में होता है तो मज़ा आता है। अब इन्होंने मीठा पहले ही दिखा दिया थाल के अंदर, तो ये सीन ऑन ऑफ ऑफ की ऑफ हो गई, मतलब ड्रामे का ना मज़ा ही ख़राब हो गया, गिर गिरा फुल, कहते हैं ना ड्रामा एकदम फ्लो टूट गया ड्रामे का। मैं भी देख रहा था, बड़े शौक से देख रहे थे हम जब उसकी शादी नहीं हुई थी, भाई हमने कहा भाई एंड यही होगा ड्रामे का, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती खींचा, स्ट्रेच कर दिया ड्रामे को ना, खींच खींच के बबल की तरह ना लंबा कर दिया, 31 एपिसोड लिया है जो हमने सोचा भी नहीं था। ये देखो टुक टुक बजाओ भाई, ड्रामा छोड़ दो देखना, ये टुक टुक बजाओ, टुक 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 चलेगा, टुक 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 ड्रामे का माहौल सारा। अब वो रिश्वत के पकड़ेगा है, अब वो एंड में शायद वो मुच्छड़ साहब उनको भड़का रहे हैं उनके बाप के खिलाफ़, वो मुच्छड़ का तो नाम भी याद नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है आर्टिफिशियल मूछें लगाई हुई हैं, पता नहीं कौन से बाल लगाए हुए हैं यहाँ पर मूछ पे ना, वो चिपका के घूम रहा है। वो माइन गायब हुई हुई है, माइन नज़र नहीं आ रही, वो शार्ट हो गई, पूरा मज़ा किरकिरा। मैंने बोला मैंने तो बीच के एपिसोड देखे भी नहीं, जब से वो थाल में देखता है ना शादी होती है, दो दो दफ़ा शादी होती है, वो शादी भी यूँ दिखाई है ऐसे चटमंगनी पट गया, मतलब इतना कुछ शादी के लिए हो रहा था, मोहब्बत के लिए हो रहा था, और एंड में इन्होंने शादी ऐसे दिखा दी, मतलब इतना बड़ा मिनिस्टर दिखाया भाई। शादी तो थोड़ी अच्छे धूमधाम दिखाते हैं, थोड़ा स्टेज स्टेज लगा देते हैं भाई, मालिक अब इतना खर्चा हो गया था तो ये खर्चा भी कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। ड्रामे की वो कहते हैं ना जड़ें काट दी ड्रामे की, अब पता नहीं लोग देख रहे जो देख रहा है। मैंने भी देखा एपिसोड, देखना पड़ गया, मैंने बोला अब तो बाय बाय करने का टाइम आ गया ड्रामे को ना, क्योंकि ड्रामा ऑफ हो गया, ड्रामे का बिल्कुल सीन ऑफ है, ड्रामा मज़ा नहीं आ रहा, बोरियत, तुम भी बोर हो गए हम भी बोर हो गए। इन्होंने जो मेन जो कहते हैं ना मेन जो मज़े की चीज़ थी उन्होंने पहले ही दिखा दी, तड़का इन्होंने पहले ही लगा दिया, एंड में लगाना था तड़का इन्होंने पहले लगा दिया, अब खेलें खा लो खाना, अब क्या फ़ायदा खाने का, तड़का तुमने पहले लगा दिया, जो मज़े की चीज़ थी जो काम की चीज़ थी वो पहले दिखा दी। चलो भाई सीन ऑन है भाई, तुम्हें क्या लगता है तुम देख रहे हो ड्रामा? भाई मैं तो नहीं देख रहा, सीधे सी बात है, लेकिन क्या करें यार। अच्छा वो शामिर वाला कैरेक्टर अच्छा भी नहीं लग रहा, वो जब तक दो कैरेक्टर दिखा रहे थे ना, जब तक फजल बख्श और शामिर के पर्सनैलिटी का वो दिखा रहे थे तो मज़ा भी आ रहा था देखने में ड्रामे को, कि वो ना फ्लेवर डाल रहे थे दोनों, क्योंकि वो कहते हैं ना नमक और चीनी थोड़ा थोड़ा ना ऐसे करके मज़ा आ रहा था। वो शामिर जो है नमक की तरह कैरेक्टर दिखाया और वो उसकी तरह दिखाया था चीनी की तरह,
वाला मीठा नहीं, वो दूसरा वाला मीठा नहीं कह रहा ना, वो कहते ना करेक्टर में मिठास डालता है, वो वाला मीठा कह रहा हूँ। लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या करा, वो तब से करेक्टर मरा, ड्रामा भी मर गया। मैं सीरियस में कह रहा हूँ, जब से फजल बख्श मरा ड्रामा मर गया, ड्रामा पिट गया, अब मज़ा नहीं आ रहा। अब स्टोरी बिल्कुल घिसी पिटी लग रही है, बोरियत कर रही है, रिश्वत में फंसा दिया, ये कर दिया, सियासी चल रहा है, वो शिबरा उनसे नाराज़ चल रही है, फजल बख्श शामिल से नाराज़ चल रही है, उनके अब्बा के लिए कुछ कर नहीं रहे, फलाना डिमकाना ये वो, सबको गायब कर दिया करेक्टरों को, बस निपट लंबा खींच खींच के। भाई तुम 20 एपिसोड कर लेते लेकिन क्वालिटी अच्छी करते, लेकिन उन्होंने क्वान्टिटी के चक्कर में, और जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी मैं उनको सलूट मारता हूँ, उन्होंने काम की चीज़ पहले दिखाई क्यों, ये एंड में रखते हैं पागलो, ये पागलपन कर दिया तुम लोगों ने। चलो ड्रामे को भी हैप्पी एंडिंग, पता नहीं कौन सी एंडिंग होगी, अभी तो बड़ा उदास चल रहा है माहौल ना। चलो मिलते हैं थोड़ी नेक्स्ट वीडियो में भाई, टाइम मिलता है तो तुम लोग बना देंगे एक और वीडियो, काफ़ी टाइम बाद वीडियो बनाइए, बना यार बनाओ यार, मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन मैंने बोला यार ये कहाँ कर लिया तुम लोगों ने। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो चाचा ऐसी मुच्छे रखनी है मैंने भी ना, बड़ी बड़ी मुच्छे, ये पूरा उड़वा के ये मुच्छे रखूँगा सिर्फ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखना, इस टुकटुकी के साथ मिलते हैं टुकटुकी के लिए, सही है भाई, अल्लाह हाफिज़, आई विल बैक सून, चलो अल्लाह हाफिज़। तुम बताना मुझे, सही है, नेक्स्ट वीडियो आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, और तुम लोग देख रहे हो नहीं देख रहे हो ड्रामा, कमेंट कर देना अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, और थैंक यू सो मच अगर देख भी रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, अब ये ड्रामा जल्दी से ख़त्म हो तो फिर किसी और ड्रामे पे बात करेंगे, ठीक है। वैसे फजल बख्श यार, आई मिस यू यार, बहुत याद आती है तुम्हारी, सीरियस तुम्हारी वैसे पूरा ड्रामा अब आता, तुम गए हो अच्छा, भले भी नहीं था इस एपिसोड में, भले भी, और ये करेक्टर नहीं दिखाओगे ना, ड्रामा फ्लॉप हो गया बिल्कुल, एंड में फ्लॉप हो गया बिल्कुल, अब मज़ा नहीं आ रहा। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भले के साथ, और मिस यू फजल बख्श यार, मैं कैसे बताऊँ, कैसे अपने जज्बात बताऊँ, ये ड्रामा बड़ा दिल से जुड़ गया था, लेकिन इतनी जल्दी दिल से जुड़ा था, उतनी जल्दी दिल से जुदा भी हो गया। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह दुआई है, बेवफाई है, हाँ तेरे प्यार में, शिबरा का तुम मुझसे मोहब्बत करो यार, हम बचाएंगे तुम्हारे अब्बू को, तुम्हारी अम्मी को। अरे शिबरा तुम मुझसे मोहब्बत करती ना तो मैं तुम्हारे बचाता, मैं बचाता तुम्हारे उसको आशिक को, वो आशिक कह रहा हूँ, तुम्हारे अब्बू को मैं बचाता, सुलेमान सर को ना, वो मैं बचाता अपने ससुर जी को। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, कितनी दफ़ा बोलूँगा मैं, चलो।